Okay. Demon just got out of camp. I gave my bro an advance. Love is just not in my plan. Can't keep my dick in my pants. हेलो फ्रेंड्स, चीन की कंपनी ओप्पो ने अपने एक R11 सीरीज में जो है एफसी बार्सोलिना एडिशन लॉन्च किया है। ये एफसी बार्सोलिना एडिशन क्या है, इसकी फीचर्स क्या है, आज के वीडियो में हम आपसे इसी के बारे में बात करेंगे और ये फोन कैसा है, किस टाइप का है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। मैं अमित पांडे और आप देख रहे हैं टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस फोन को 18 अगस्त को जो है लॉन्च किया जाएगा और ओप्पो ने जो है एफसी बार्सोलिना के साथ पार्टनरशिप करके ये फोन लॉन्च किया है। और इस फोन के जो बैक साइड रियर में जो है 18 कैरेट का जो है गोल्ड प्लेटेड इम्बेल्ट किया गया है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। इसके रियर में जो है 18 कैरेट का जो है गोल्ड प्लेटेड किया गया है, एम्बेल्ट किया गया है और इसे जो है दो कलर में पेश किया गया है, ब्लू और रेड कलर का ये वेरिएंट है, इसे ब्लू और रेड में लाया जाएगा। इसके ऊपर में जो है ब्लू और नीचे में जो है रेड रहेंगे, दो कलर जो है ऊपर ब्लू और नीचे रेड। और इसे जो है इसमें टच बटन दिया गया है जो कि एक फिंगरप्रिंट का भी काम करेगा, ये जो टच बटन है वही फिंगरप्रिंट रहेगा। और इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 5.5 इंच का जो है फुल एचडी सुपर एमोलेड जो डिस्प्ले दिया गया है। रेजुलेशन की बात करें तो 9020x1080 पिक्सल का जो रेजुलेशन दिया गया है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें 2.2 GHz का स्नैपड्रैगन 660 ओक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। और इसके रैम की बात करें तो इसमें जो है 4GB की रैम दी गई है और 64GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए और अपग्रेड भी किया जा सकता है। और इसमें जो है ये जो है 7.1.1 नॉगट पे काम करेगा और ग्राफिक्स के लिए इसमें 512 एड्रीनो कार्ड दिया गया है। बैटरी की बात करें तो इसमें 2900 mAh की बैटरी दी गई है। और जो है कैमरे की बात करें तो इसके रियर में 2 कैमरे दिए गए हैं जो कि सेंसर से लैस होंगे। और इसके फ्रंट में की कैमरे की बात की जाए तो इसमें 20 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो इस तरह से देखिए, एक बहुत ही ये कमाल का इमेजिंग फोन है, लुक वाइज तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर आप किसी के फोन में हाथ में देखेंगे, वाकई में गजब का फोन है। इसकी लुकिंग की बात की जाए, फीचर्स की भी बात की जाए, सारे जो है ग्राफिक्स और प्रोसेसर, बैटरी वाइज बैटरी तो थोड़ा कम है लेकिन बाकी सारे चीज जो है मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव है। लेकिन उस हिसाब से कीमत भी इसकी रखी गई है, इंडियन डॉलर में, इंडियन रुपीज की बात करें तो इसमें 35,000 रुपए इसकी कीमत रखी गई है। लेकिन जिसके पास बजट है और उतना बजट वाला फोन लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा फोन है, आप ले सकते हैं। और सारे फीचर्स के अकॉर्डिंग ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।